आप सभी का इस सोलो वर्सेस स्क्वाड के गेम प्ले में स्वागत है और मैं हूं आपका प्यारे गेमर। और यहां लैंड किए हैं भाई साहब दर्जनों बंदे। एक बंदे को मैंने नॉक किया, वैसे भी मेरे पास ये अल्ट्रा लेजेंडरी वाली शॉटगन है। और एक और बंदा है, ये बंदा दिमित्री लगा के रिवाइव होना चाह रहा था। यहाँ पर एक और बंदे को नॉक किया, एक और बंदे को नॉक किया और सामने एक और बंदा है। ये चार बंदे को मैंने तुरंत में मार दिया अभी भाई। एक बंदा जस्ट ऊपर आया है, उसको मैंने देखा है। अरे गुलवाल लगा के, अरे बाप रे, एक और बंदा है यहाँ तो। कितने सारे बंदे हैं, सही में दर्जनों बंदे लैंड किए थे यार। चलो ये पांचों बंदे को हमने फिनिश किया, बट हमको किल मिले हैं वन। एक ही किल मिले, ऐसा क्यों भाई प्यारे? ओरे दादर, ये मिल गए 4 किल और ये हो चुके हैं 5 किल। प्रॉपर हमको पूरे के पूरे 5 किल मिल चुके हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी, शानदार, जबरदस्त। अरे बंदा सामने हेडशॉट नहीं लगा, बट कोई बात नहीं, एक और बंदे को हमने फिनिश किए। 1 मिनट के अंदर में मैंने 6 बंदे मार दिया। वाह 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 प्यारे भाई, गजब बोलते हो। सामने बंदी है और ये हेडशॉट नहीं लगा, क्या बात कर रहा प्यारी, क्या कर रही है भाई। ओनली रेड नंबर बंदी को हमने ऊपर पहुंचा दी है, मतलब अभी नीचे है, थोड़ी देर के बाद चली जाएगी ना। ऊपर में बंदा है दोस्तों, वहां पर जो ग्रिलर है दादा, बंदा ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर जाएगा। अब खत्म बंदे पूरे के पूरे। बेचारी अकेली बंदी बची थी यार, इसको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ मैं, तुम भी जाओ उसके साथ। और यहाँ पर हमने 40 ले लिया, AK-47 जो कि मेरी बहुत ही ज्यादा प्यारी है। वैसे तो MP5 भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, MP5 ले ली मैंने। सामने एक और बंदा है, काफी देर से परेशान कर रहा है वो मुझे, बट कोई बात नहीं। अरे ना मुन्ना ना, मुझे लगा कि मेरा वोकॉन्ग रिचार्ज हो गया, बट चार्ज नहीं हुआ था। रुक जाओ भाई, ए हेडशॉट बेचारे को खत्म कर डाला। हाँ तो मैं ये बोल रहा था, जब मैंने 6 बंदे किल किया था तो यार मजे बहुत आए। 1 मिनट के अंदर में 6 बंदे और यहाँ पर 2 मिनट के अंदर में 10 किल हमने कर लिए, जो कि मेरे लिए और आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात है भाई। 10 किल करना बहुत बड़ी बात होती है रैंक में, और सोलो वर्सेस स्क्वाड है तो यार बंदे मिल ही जाते हैं। एक सामने एक और बंदा, हेडशॉट लगा बंदी को, बंदी ही थी भाई, मैं दूर से पहचान लेता हूँ, मेरी आंख से कभी धोखा नहीं खाती। लड़का और लड़के में फर्क समझ में आता है मेरी जान, बट यार आपको अभी तक समझ में नहीं आया यार, अभी तक आपने लाइक नहीं कर रहे हो यार। दोस्तों जिसने लाइक कर दिया बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड, बट यार जिसने लाइक नहीं किया क्या कर रहे हो भाई, समझ तो। इतना अच्छा गेम प्ले मैं आपके लिए लेके आता हूँ, लाइक कर दिया करो यार, प्लीज कर दो यार। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर डालो, जो बंदे मेरे चैनल में नया आए हैं और जो बंदे जो वीडियो ना देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, कर दो यार, क्या चाहता है सब्सक्राइब करने में, ना पैसा लगता है ना कुछ। सामने एक बंदा है तो भाई इसको मारेंगे तो तुमको मजा भी आएगा। वैसे ये बंदा ना एक बंदे को मारने में व्यस्त था, वो बंदा मर गया होगा शायद, क्योंकि लगातार बंदा मार रहा था। अच्छा इसको ये पता ना चला कि हम इसके पीछे हैं, इसको यही लग रहा था कि सामने वाला बंदा इसको मार रहा। वाह बेटा वाह, दाद देनी पड़ेगी भाई तुम्हारे हौसले की, तुम्हारा जो गेम प्लान है उसकी, शानदार जबरदस्त। और यहाँ पर मेरे हो चुके हैं कितने किल, 13 किल, बचे हैं बंदे कितने, 18। तो दोस्तों देखते हैं कि हम इस गेम प्ले को बोया ले पाते हैं या नहीं ले पाते, वैसे तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है भाई। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और वैसे वैसे हार्ड बंदे मिलते जाएंगे, जो कि हमारे बोया लेने में बहुत ही ज़्यादा क्या करेंगे भाई, रोक करेंगे, रोक टोक करेंगे बिल्कुल भी। सामने एक और बंदा, उसके साथ साथ एक और उसका टीममेट, नॉक किया मैंने वोकॉन्ग को उप्पी। दूसरा बंदा आएगा ज़रूर से उसको बचाने या उसको क्लियर करने, बट जो भी हो हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, दूसरा बंदा पक्का आएगा। सामने बंदा, अरे बापरी क्या कर रहे, तो मेरा किल ले लिया वो बंदे ने, लेकिन मैंने उसको नॉक कर दिया है। यहाँ पर उसके साथ साथ एक और बंदे को नॉक किया भाई, यूजी ओपी बोलते यार कभी कभी ना, यूजी से मैं बहुत तगड़ा मार लेता हूँ, और हेडशॉट इसलिए इतने अच्छे लगते हैं यूजी से, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रेट ऑफ फायर वाली गन यही है, मतलब कि कोई भी गन चला लो सबसे ज़्यादा यूजी ही तेज चलती है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। यूजी जो बंदे चलाता है तो उसके लिए तो अच्छा ही है। यहाँ पर मेरा मध्य प्रदेश में 39 नंबर पे आता है यूजी, और सिवनी ज़िले पे आता है 2nd नंबर में। देखा भाई यूजी चलाने का ना फ़ायदा भी है बहुत। भाई साहब मेरे 10 किल तो इतनी तेज़ी से हुए थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जोन पास आते 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 मेरे कम से कम 30 से 35 किल हो जाते। वैसे मैंने हाईएस्ट किल 31 किया है, जो कि इसी चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हो, 31 किल बहुत होते हैं। बट दोस्तों
अभी तक वो रिकॉर्ड टूटा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ऐसा गेम प्ले हो कि यार और भी बंदे मार पाऊँ, बट सामने एक और बंदा, एक नहीं तीन बंदे, पूरे का पूरा स्क्वाड है वहाँ पे। एक बंदे को मैंने नॉक किया, वैसे जबरदस्ती नॉक हुआ यार। हेडशॉट कभी कभी लगते नहीं है, AK-47 थे, और कभी कभी जब लगते हैं ना तो ओनली रेड, रेड के अलावा भाई येल्लो तो लगते ही नहीं है। तो वहाँ पर एक बंदा वो पुल के अंदर है, पुल नहीं उसको क्या बोलते हैं भाई, हमारे इधर कुछ ऐसा वर्ड बोलते हैं, मैं बोलूँगा तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए नहीं बोलता, इसलिए उसको ब्रिज बोल दो, ब्रिज नहीं वो पाइप बोल दो, हाँ ठीक है पाइप है, ठीक है। उसके अंदर एक बंदा है और एक बंदा सामने में है। वैसे ये वाला ना पहले और कहीं भी था क्या, मेरे को याद नहीं आ रहा यार, क्या भीमा सकते में ही बस था, आई डोंट नो, बट था, है बहुत अच्छा, ये अच्छा दिखता है वैसे। ये भाई साहब हेडशॉट लग जा रे मुन्ना, ओपी बोलते हैं खोपड़ी खोलते। एक बंदे को नॉक किया, और पहले भी मैंने एक बंदे को नॉक ज़रूर किया था, लेकिन यार वो फिर से रिवाइव हो गया था शायद। बट यहाँ पर अभी मेरे 15 किल हैं और 12 बंदे बचे हुए हैं, एक और बंदा आ रहा है। ये मैंने कि ग्रेनेड, अरे बापरी क्या कर रहे हो तुम, की करेक्टर क्या कर रहे हो भाई तुम, इतना तेजी से कौन मारता है यार। वैसे भी यार चलो बताते हैं इसको, बताते हैं मुझे मारना मुश्किल ही नहीं, बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन ये आसान काम को मैं मुश्किल ज़रूर बना देता हूँ। कोई भी मुझे आके मार सकता है दोस्तों, बट उसके लिए चाहिए एक परफेक्ट प्लानिंग। यदि ऐसे ही रश करोगे तो भाई मारे जाओगे मेरे हाथ। वैसे मैं कस्टम में भी तगड़ा खेल लेता हूँ भाई साहब, जो मुझे चैलेंज कर रहे ना तो मज़ा ही जाता है, बट मैं वन वर्सेस वन नहीं खेलता। ए राइट में बंदा, राइट में बंदा, स्क्वाड में बहुत तगड़ा मारता, पता नहीं क्यों बट मारता बहुत तगड़ा हूँ। सामने बंदा, ऊपर एक बंदा है, दो गुलवाल लगाए, अरे भैया मेरे साथ साथ उसको भी पड़ रही है भैया, चलो भाई प्यारे। भाई देखो मेरे को मारा अच्छी बात, लेकिन यहाँ पर आपको भुगतमान तो भुगतना पड़ेगा ही। एक बंदे को और नॉक किया, उसके साथ साथ एक और टीममेट है, अरे उसको भी मर गया, कैसे मरा बे, अच्छा सोनिया बन, ए सोनिया ज्यादा है ना। यदि ये सोनिया करेक्टर आप यूज कर रहे हो तो उसके साथ साथ दिमित्री करेक्टर यूज करो भाई, ठीक है। और ऐसा नहीं है यार, बहुत लेट चार्ज होता है वो दिमित्री करेक्टर, जब से सोनिया और वो दोनों का कॉम्बिनेशन ना बिल्कुल जहर मचा दिए थे। जैसे CR7 था ना कि एक टाइम में बिल्कुल भी टॉप में चल रहा था, वैसे ही भाई सबका करेक्टर का एक अलग का टाइम आता है, और टाइम के हिसाब से उसको चेंज कर दिया जाता है, और गेम को बैलेंस बनाने के लिए अच्छा करता है कभी कभी। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ यार, पहली बारी वाली वाइब दे देते ना तो यार मज़ा ही जाता। हमको ज़्यादा कुछ नहीं, ओल्ड पीक दे दो बस यार भाई साहब बस, और ये करेक्टर बस हटा दो, हो गया। ओल्ड पीक और करेक्टर हटा दोगे ना तो मज़े आ जाएंगे, उसके बाद जो चेंज करना है कर लो यार। सामने एक और बंदा, जो कि पैरों की आवाज़ मेरे कानों में, और सामने बंदा के हेड में मेरी गोली। अरे दादा रे ये तो मर ही ना रहा, यूजी से मार रहा है इसको, अरे भाई खत्म हो जा, अरे ना रे ना, मजा नहीं आया इसको मारने में। बोया भी हुआ तो यार क्या ही बोलो, लाइक कर डालना, चैनल को सब्सक्राइब करके बजे बिल्कुल सेट कर डालना।